आज पूरे मध्य प्रदेश में सभी 22,810 ग्राम पंचायतों में, सभी 52 जिला मुख्यालयों पर, 313 ब्लॉक मुख्यालयों पर, 237 मंडियों में, कृषि विज्ञान केंद्रों पर मध्य प्रदेश के लाखों किसान इकट्ठा होंगे। अभी 8 बजे तक 1,11,00,000 किसानों का प्री रजिस्ट्रेशन हो चुका था इस कार्यक्रम के लिए। इस कार्यक्रम में एक तरफ जहां हम किसानों को राहत की राशि, जो फसल का नुकसान हुआ था अभी खरीफ की फसल में, उसकी पहली किस्त डालेंगे, पहली किस्त है, इसके बाद दूसरी किस्त भी डालेंगे, वो लगभग 1600 करोड़ रुपए की होगी। हमारा सौभाग्य है कि इस अवसर पर किसानों को संबोधित करने वर्चुअली माननीय प्रधानमंत्री जी जुड़ेंगे और उनका मार्गदर्शन मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेगा। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश के किसानों के सबसे बड़े हितैषी हैं। किसान हित उनके लिए सर्वोपरि है और किसानों की आय को दुगना करना उनका जुनून है और इसके लिए उन्होंने अनेकों योजनाएं बनाई है। एक तरफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपया प्रतिवर्ष किसानों को दिए जाएंगे। अब ये 6,000 रुपया छोटे किसान के लिए बड़ा मायना रखते हैं। छोटे किसानों की तरफ पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने ध्यान दिया है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को क्रेडिट कार्ड देकर 2,00,000 करोड़ रुपया रियायती ब्याज की दरों पर उपलब्ध कराना, कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1,00,000 करोड़ रुपया देना, किसान अपने फल और सब्जियां दूर ले जाकर भी ठीक रेट पर बेच सके इसलिए किसान रेल चलाना, और इस समय 3 क्रांतिकारी किसान कानून जो किसान की जिंदगी बदल देंगे, किसानों की आय दुगना करने के राह में मील के पत्थर साबित होंगे, वो किसान कानून उन्होंने लागू किए हैं। आज मध्य प्रदेश के किसान इन किसान कानूनों के लिए प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे। और इसलिए आज अभूतपूर्व कार्यक्रम होगा। एक स्थान रायसेन में मैं स्वयं रहूंगा, मेरे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी रहेंगे और बाकी स्थानों पर अलग अलग हमारे साथी रहेंगे, किसान जुटेंगे। हम सबको प्रधानमंत्री जी के संबोधन का इंतजार है।